हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक हेल्दी बाइट्स। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के त्यौहार की स्पेशल वेज थाली। तो चलिए इस थाली को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ सेमई की खीर बना रही हूँ। रक्षाबंधन पे हर जगह सेवई की खीर बनाई जाती है। इसके लिए आधा लीटर दूध लिया है मैंने और इसको हम बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब मैं इसमें रोस्टेड सेवई डाल रही हूँ। अगर आपके पास सेवई रोस्टेड नहीं है तो आप उसको एक दो मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये कुक होगी तब तक के लिए हम अपना डो रेडी कर लेते हैं, जिससे कि जब हम पूड़ियाँ बनाएं तब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया हो। तो ये मैंने आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाल रहे हैं। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच इसमें हम हींग डालेंगे, एक चम्मच इसमें हम पिसी हुई सौंफ और आधी चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आज बीटरूट की पूड़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इस बीटरूट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो इस प्यूरी को हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के और डो लगाएंगे। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, पहले हम प्यूरी से अच्छे से डो लगा लेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। और यहाँ मैं पुलाव के लिए चावल भी भिगो दे रही हूँ, उसके लिए मैंने एक छोटी बोल में चावल लिए हैं। और इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके इसको भीगने के लिए रख देते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच बूंदी ली है, इसको भी हम थोड़ी देर भीगने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो आप बिना भीगे हुए भी बूंदी को रायते में डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी खीर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, 1 से 2 चम्मच काजू, 1 चम्मच चिरौंजी, आधा चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ मैंने बादाम को भिगो दिया था, उसको पीसेस में कट कर लिया है, तो बादाम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 5 से 6 मिनट के लिए और कुक होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारे अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच शुगर लिए, शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और अब इसको हम मिक्स करके रख देते हैं। तो खीर हमारी रेडी है। तो चलिए अब हम मटर पनीर बनाते हैं। तो उसके लिए पैन में हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, आधी चम्मच इसमें जीरा हम डालेंगे और 1 पिंच इसमें हम हींग डालेंगे और आधी चम्मच मैंने ये चॉप किया हुआ अदरक इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। एक बोल में टमाटर प्योरी है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड की है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ये पनीर के पीसेस ऐड करेंगे, इसको भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके और कवर करके हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। पनीर को चेक कर लेते हैं, ये अभी अच्छे से कुक नहीं हुआ है। तो इसको हम कुक होने के लिए दूसरी साइड पर रख देते हैं और साथ ही हम दूसरी तरफ मिक्स वेज की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मिक्स वेज के लिए मैंने यह पैन ले लिया है, उसमें भी हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें हम ये गोभी ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी बीन्स को कट कर लिया है, थोड़ी सी स्लाइसेस में कटी गाजर ऐड करेंगे और 1 आलू को इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, सब्जी हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें पनीर के पीसेज ऐड करेंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे।
देखिए सब्जी हमारी सारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इस पैन में एक चम्मच ऑयल और ऐड करेंगे, जिसमें जीरा, एक पिंच इसमें हम हींग डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच इसमें हम चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। इसको भून लेंगे और इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और 1 से 2 चम्मच है मटर। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें रोस्ट की हुई सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो चलिए तब तक हम पनीर देख लेते हैं। ये देखिए मटर पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और पनीर को भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम मिक्स वेज को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स वेज अभी कुक नहीं हुई है, तो हम इसको एक बार चला देंगे और कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही 5 से 6 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मिक्स वेज अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको हम बोल में निकाल लेंगे। तो 2 सब्जियाँ हमारी रेडी हो गई। अब हम मसाला अरबी रेडी करेंगे, तो उसके लिए एक पैन में ऑयल डालेंगे और यहाँ मैंने अरबी को मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था, तो इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि अरबी जो है वो हमारी गोल्डन कलर में हो जाती है। तो ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और आधी चम्मच इसमें हम अजवाइन डालेंगे, एक पिंच हींग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और अब इस रोस्टेड अरबी को हम इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच इसमें हम पिसी हुई सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया और आधी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अरबी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम पुलाव रेडी कर लेते हैं। तो कुकर में 1 से 1.5 चम्मच हम देसी घी ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 इसमें हम काजू ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे और 1 से 2 चम्मच इसमें हम मटर ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और अब ये भीगे हुए हम इसमें चावल ऐड करेंगे, आधी चम्मच इसमें नमक, 1 पिंच इसमें गरम मसाला डालेंगे, आप चाहें तो इसमें साबुत मसाले भी डाल सकते हैं, और आधा ग्लास इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर का लिड हम लगा देंगे और हम इसमें 2 विसिल ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 विसिल ले ली है और जब इसमें से सीटी पूरी तरह से निकल जाएगी तब हम इसको ओपन करके एक बार पुलाव चेक कर लेंगे। तो ये देखिए पुलाव हमारा अच्छे से रेडी हो गया है और अब हम रायता रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/2 फोल ये दही ले लिया है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम फिर से फेंट लेंगे। और अब हमने जो ये बूंदी को भिगो के रखा था उसको हम अच्छे से इस तरह स्क्वीज़ कर लेंगे, उसको निचोड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे।
उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम भुना जीरा डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें हम ड्राई पुदीना डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो ये देखिए बूंदी का रायता हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसके साथ ये मसाला अदरक बनाएंगे जो कि पूड़ी के साथ में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने अदरक को इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया था और अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, एक पिंच काला नमक, एक पिंच हींग और थोड़ा सा इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए रेडी है हमारा मसाला अदरक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी सब्जियां रेडी हो गई हैं, खीर रेडी हो गई है और रायता भी रेडी हो गया है। तो पहले हम थाली अरेंज कर लेते हैं और फिर हम कर्मकर्म बीटरूट की पूरियां बनाएंगे। तो सबसे पहले खीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, मसाला अरवी, रायता, पुलाव और साथ में ही थोड़ा सा सैलेड। तो चलिए अब पूड़ी बनाते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आटे को हम पहले एक बार फिर से इस तरह सॉफ्ट कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल इस तरह हम अपने हाथों में लगाकर इसकी छोटी छोटी सी इस तरह लोइयां बना लेंगे। और फिर हम एक लोई को लेके इसको राउंड करके और इस तरह उस पर हल्का सा ऑयल लगा के और इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने राउंड बेल लिया है। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म फ्राई करते हैं। तो पूड़ी को इस तरह हम ऑयल में डाल देंगे और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगी तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूली फूली पूड़ी बनी है। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसके साथ थोड़ा सा अचार और हमारा मसाला अदरक। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है रक्षाबंधन स्पेशल वेज थाली। आप भी रक्षाबंधन पर इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन।